नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। तमाम चुनौतियों और व्यवस्थाओं के बीच 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा से गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर कल्पवास शुरू हो जाएगा। माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु गुरु पुण्य योग में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर कल्पवास ही अलौकिक शक्ति बटोर कर ले जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयाग में कल्पवास करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। मनुष्य जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर माघ महीने में एक माह तक कल्पवास करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। बात करें पौष पूर्णिमा पर स्नान के शुभ मुहूर्त की, तो पूर्णिमा तिथि 27 जनवरी बुधवार की रात में 12:32 से शुरू हो जाएगी और 28 जनवरी को रात 12:32 तक रहेगी। इसलिए गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान दान शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुण्य योग, प्रीति योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग बन रहा है। शुभ फलों के योग से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं।